हेलो स्टूडेंट, चंदौली पाठशाला में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट का हमारा जीके जीएस का सीरीज चल रहा था, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि एग्जाम में जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ आएगा ही, और इसलिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? हमारे पास चार ऑप्शन है, धोलावीरा और मेहरगढ़, कोलदीवा और राखीगढ़, लोथल और कोलदीवा, और चौथा ऑप्शन है धोलावीरा और लोथल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, धोलावीरा और लोथल। फिर देखते हैं धोलावीरा कहाँ स्थित है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। कहाँ? गुजरात के कच्छ के रण में है। गुजरात के कच्छ के रण में कहाँ स्थित है? खादिर बेयत पर स्थित है। कहाँ? खादिर बेयत, खादिर बेयत पर स्थित है। और दूसरा धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ स्थित है? यह साबरमती, साबरमती नदी की एक सहायक नदी है, उसके किनारे पर खंबात की खाड़ी के पास स्थित है। धोलावीरा साबरमती नदी के एक सहायक नदी है, उसके किनारे खंबात की खाड़ी के पास स्थित है धोलावीरा। फिर हम आगे देखते हैं मेहरगढ़ कहाँ स्थित है। मेहरगढ़ का यहाँ वर्णन किया गया है, तो मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? यह बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है वहाँ स्थित है। फिर राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हमारे हरियाणा में स्थित है। कहाँ? हरियाणा, हरियाणा में राखीगढ़ी स्थित है। फिर हमने यहाँ पे वर्णन किया कोलदीवा, ऑप्शन में क्या है? कोलदीवा। ये कहाँ स्थित है? कोलदीवा यूपी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूपी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, पहला पाली, दूसरा मागधी, सूर्यसेन, अर्धमागधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, अर्धमागधी। क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन फोर, अर्धमागधी। फिर देखते हैं महावीर जी के बारे में। ये 24वें तीर्थकार थे, 24वें तीर्थकार थे, और ये वज्जी संघ के एक समूह, जो वज्जी संघ का एक समूह है, लिच्छवियों के क्षत्रिय राजकुमार थे। किसके? वज्जी संघ, वज्जी संघ के लिच्छवी, लिच्छवी समूह के राजकुमार थे। इन्होंने कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था? 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितने वर्ष के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था? 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? पहला विक्रमशिला, दूसरा तक्षशिला, तीसरा मगध, चौथा नालंदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, नालंदा। तक्षशिला क्यों नहीं होगा? कि बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, उसके बाद हर्ष आए थे। और तक्षशिला कहाँ है? अभी पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। इसलिए सही आंसर हो जाएगा नालंदा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिजली ने आक्रमण किया था? वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिजली ने आक्रमण किया था? तो ऑप्शन है हमारे पास, मेवाड़, रणथंबोर, दिल्ली, बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, रणथंबोर। इसने कब आक्रमण किया था? रणथंबोर पे 1301 ईस्वी में। रणथंबोर पे कब आक्रमण किया था इसने? 1301 ईस्वी पे, ईस्वी में रणथंबोर पे इसने आक्रमण किया था। और उस समय राजा कौन थे? हम्मीर। राजा का नाम क्या था? हम्मीर। राजा का नाम क्या था? हम्मीर। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के गद्दी पे कब बैठा? 1296 ईस्वी में। कब बैठा? 1296 ईस्वी में। और इसके 5 साल बाद उसने
रणथंभौर पे आक्रमण कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव के उत्तराधिकारी कौन बने? पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव के उत्तराधिकारी कौन बने? पहला ऑप्शन है विश्वास राव, दूसरा माधव राव प्रथम, तीसरा नारायण राव, चौथा रघुनाथ राव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, माधव राव प्रथम। और देखते हैं बालाजी बाजीराव का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 8 दिसंबर को हुआ था, और सन कौन सा था? 1720, 8 दिसंबर 1720 को हुआ था। और ये पेशवा बाजीराव के प्रथम पुत्र थे। किसके? पेशवा बाजीराव के प्रथम पुत्र थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? पहला गदर पार्टी, दूसरा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तीसरा इंडियन होम रूल सोसाइटी, चौथा स्वराज पार्टी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गदर पार्टी। सही आंसर क्या हो जाएगा? गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई है। कब हुई है? 1913 में। और इसको स्थापित करने में 4 लोगों का योगदान था। लाला हरदयाल जी का था ही, फिर उसके बाद थे सोहन सिंह भकना, संतोष सिंह, बाबा ज्वाला सिंह। हरदयाल, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, संतोष सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, इन्होंने मिलके गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की थी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ से शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, पंजाब, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल के विभाजन की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को क्या मनाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल के विभाजन की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को क्या मनाया गया? राखी बंधन दिवस, भाईचारा दिवस, एकजुटता दिवस, काला दिवस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, राखी बंधन दिवस। और देखते हैं भाईचारा दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को। कब? 11 सितंबर को भाईचारा दिवस मनाया जाता है। एकजुटता दिवस 20 अक्टूबर को। एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1926 में भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन के पहले सचिव थे? 1926 में भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन के पहले सचिव थे? गदर पार्टी, पंजाब हिंदू सभा, इंडियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन, नौजवान भारत सभा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, नौजवान भारत सभा। फिर देखते हैं भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 में। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 में। और कहाँ हुआ था? पश्चिमी पंजाब में। पश्चिमी पंजाब के लायलपुर। नाम क्या है? लायलपुर, लायलपुर नामक स्थान पर, जो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। जो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। फिर उन्होंने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। और किसके साथ मिलकर? चंद्रशेखर और भगत सिंह दोनों लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रांतिकारी सूर्यसेन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े थे? क्रांतिकारी सूर्यसेन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े थे? मेरठ षड्यंत्र मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला, चटगांव षड्यंत्र, शस्त्रागार छापेमारी, चौरा चोरी घटना। इसका सही आंसर हो जाएगा चटगांव शस्त्रागार छापेमारी। चटगांव शस्त्रागार छापेमारी, इसमें इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अब सूर्यसेन को मास्टर दा कहा जाता था। सूर्यसेन को हम किस नाम से पुकारते थे? मास्टर दा, मास्टर दा के नाम से सूर्यसेन को पुकारते थे। और इनको फांसी दे दी गई 12 जनवरी 1934 को। कब? 12 जैन
1934 को फांसी दे दी गई, कहाँ? बंगाल के मेदिनीपुर जेल में, बंगाल के मेदिनीपुर। बंगाल के मेदिनीपुर जेल में इनको फांसी दे दी गई। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या है? चौरी चौरा घटना कहाँ कब हुआ था? ये 4 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी को, और 1922 में। 4 फरवरी 1922 में कहाँ? गोरखपुर हुआ था। 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर में हुआ था। और इसी का तत्कालीन प्रभाव था कि 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। कब? 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। कब वापस ले लिया गया? 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को क्या किया गया? वापस ले लिया गया। किस कारण? चौरी चौरा घटना के कारण। फिर हम देख सकते हैं मेरठ षड्यंत्र। मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था? 1929 में। कब? 1929 मेरठ षड्यंत्र 1929 में हुआ था। और इसका इसमें क्या हुआ था? मेरठ षड्यंत्र में 1929 में हुआ था, इसमें क्या किया था? ब्रिटिश सरकार ने 31 मजदूर नेताओं को, कितने? 31 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करके मेरठ लाया गया और उन पे मुकदमा चला। उनको गिरफ्तार करके क्या किया गया? मेरठ लाया गया और उन पे मुकदमा चला। और 16 जनवरी 1933 को फैसला सुनाया गया और बोला गया 27 आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई गई। और इसमें एक नेता प्रमुख थे, उनका नाम था मुजफ्फर अहमद। क्या नाम था? मुजफ्फर अहमद उनका नाम था। उनको काले पानी की सजा सुनाई गई। इसी को मेरठ षड्यंत्र कहा जाता है। फिर हम देखते हैं लाहौर षड्यंत्र क्या है। फिर लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? ये 1928 में साइमन कमीशन आया। कब? क्या आया? 1928 में साइमन कमीशन आया। 1928 में इसी का विरोध लाला हरदयाल कर रहे थे और उनको लाठियों से पीटा गया और उनकी 1928 में ही मृत्यु हो गई। और इसी के तत्कालीन कारण सैंडर्स की हत्या कर दी गई। और किसके द्वारा? भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। तो ये इतने षड्यंत्र थे। फिर आगे हम प्रश्न बैठते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के डैश भाग में कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा किसमें पाया जाता है? तो पहला समताप मंडल, मध्य मंडल, बाहरी मंडल, क्षोभ मंडल। समताप मंडल, मध्य मंडल, बाहरी मंडल, क्षोभ मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्षोभ मंडल। अब देखते समताप मंडल का रेंज कहाँ से है? 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक समताप मंडल है। 18 से 32 तक समताप है। समताप नाम क्यों पड़ा? इसमें तापमान समान रहता है। फिर देखते ओजोन मंडल समताप के बाद आ जाता है। ओजोन मंडल का हो जाता है 32 से 60। ओजोन मंडल कितना हो जाएगा? 32 से 60। और ओजोन मंडल में ही एक किलोमीटर पर पाँच डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। 1 किलोमीटर पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। फिर देखते हैं अगला आयन मंडल। क्या है आयन मंडल? आयन मंडल का रेंज क्या है? 60 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल है।
यहीं पे रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार का उपयोग किया जाता है। फिर सबसे लास्ट हो जाता है बाहरी मंडल या वायुमंडल, जो 640 किलोमीटर से ऊपर का है, 640 किलोमीटर से ऊपर का है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता पाई जाती है। किसकी? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रचुरता पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, श्रीलंका भारत से किसके द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक होता है? पाल, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, केवल मन्नार की खाड़ी, मलक्का जल डमरू मध्य, केवल पाक जल डमरू मध्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। तो अब देखते हैं, पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु, किसको? भारत के तमिलनाडु तथा श्रीलंका के जाफना, भारत के तमिलनाडु जिला तथा राज्य और श्रीलंका के जाफना को अलग करता है पाक जल डमरू मध्य। और राम सेतु को क्या बोला जाता है? राम सेतु को एडम ब्रिज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडम ब्रिज, एडम ब्रिज, एडम ब्रिज बोला जाता है। किसको? राम सेतु को। इसकी लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर। राम सेतु की लंबाई 50 किलोमीटर, राम सेतु की लंबाई 50 किलोमीटर है। और यह राम सेतु ब्रिज क्या करता है? यह पाक जल डमरू मध्य को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। पाक जल डमरू मध्य को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? राम सेतु, जिसको एडम ब्रिज बोला जाता है। और मलक्का जल डमरू मध्य एक नहर है। क्या है? मलक्का जल डमरू मध्य एक नहर है जो अंडमान सागर को दक्षिणी सिंध सागर से जोड़ती है। कौन? मलक्का जल डमरू मध्य अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। यह एक प्रकार की नहर है। अंडमान सागर बोलने का मतलब क्या हो गया? हिंद महासागर। और चीन सागर बोलने का मतलब प्रशांत महासागर। अंडमान सागर बोलने का मतलब हिंद महासागर और चीन सागर बोलने का मतलब प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर। इसको कौन जोड़ता है? मलक्का जल डमरू मध्य, जो एक प्रकार की नहर है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जल पर तैर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जल पर तैर सकता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, शनि। कारण इसका क्या है? शनि का घनत्व जल से कम है। कितना है? 770 केजी। कितना? 770 केजी पर घन मीटर, पर घन मीटर, 770 केजी पर घन मीटर इसका घनत्व है। इसलिए इसका घनत्व जल से कम है, इसलिए जल पे तैर सकता है। इसमें क्या है, आप शुक्र को जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। किसको? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। किसको? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। और मंगल को लाल ग्रह, शुक्र को जुड़वा और मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न, उच्चतम तापमान दिन में कब अंकित किया जाता है? दोपहर, प्रातःकाल, अपराह्न, सायंकाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, अपराह्न। क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीन, अपराह्न। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? ग्रीष्मकालीन जलवायु, शीतकालीन जलवायु, मानसूनी जलवायु, इनमें से कोई नहीं। तो इस मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में जारी की गई थी? 1952, 1961, 1951, 1960। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, 1951। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर तीन, 1951। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का क्या अर्थ है? हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का क्या अर्थ है? हेटरोजेनियस, होमोजेनियस, हाई, हाइब्रिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, हाई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ऑप्शन है इंडियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक। इंडियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, केनरा बैंक। अब देखते हैं केनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी। केनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1954
छः को कब हुई थी, 1 जुलाई 1/7/1906 को कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय बैंगलोर, मुख्यालय कहाँ है, बैंगलोर में है, कैनरा बैंक का मुख्यालय बैंगलोर में है। फिर अगला देखते हैं हम, इंडियन बैंक की स्थापना, इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुई थी। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1907 में, मुख्यालय चेन्नई, मुख्यालय क्या हो गया, चेन्नई। फिर सेंट्रल बैंक देखते हैं, सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 कब हुई थी, 1911 ईस्वी में सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई थी। अब क्या है बच्चा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का 20/7/1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई। तो ये हमारे चारों बैंक का डिटेल रहा। फिर चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, केंद्रीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केंद्रीकरण। अगला प्रश्न, भारत में जीएसटी कब से प्रभावित हुआ, 1 अप्रैल 2017, 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2017, 1 मार्च 2017। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 जुलाई 2017। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 23वें संशोधन अधिनियम, 42वें संशोधन अधिनियम, पहले संशोधन अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 42वें संशोधन अधिनियम। ये कब किया गया था, 1976 में, कब किया गया था, 1976 में, और किससे संबंधित है, 51 का A से, किससे संबंधित है, 51 के A आर्टिकल से संबंधित है। समिति कौन सी थी, स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति थी, उनके सिफारिश हुआ था। इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जुड़ा था, 11वां कब जुड़ा था, 2002 में, 11वां 2002 में जुड़ा था, और संविधान संशोधन कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा था, जो 2002 में जुड़ा हुआ था। किसके द्वारा जुड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति का सिफारिश पे, 51A में उल्लेखित है, और 1976 में यह किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व तो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, वनों और वन्य जीव की सुरक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद की शुरुआत किससे होती है, प्रश्नकाल, शून्यकाल, नियुक्ति, प्रश्नकाल और शून्यकाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रश्नकाल। संसद की, अगला प्रश्न, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी को क्या कहते हैं, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी को क्या कहते हैं, जिला परिषद के मुख्य लेखाधिकारी, तहसीलदार, राजस्व विभागीय अधिकारी, जिला कलेक्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिला कलेक्टर। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किस कारक से संबंधित है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का 33% आरक्षण प्राप्त होना, शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं का 33% आरक्षण होना, नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किससे संबंधित है, पहला नंबर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का 33% आरक्षण होना। यह कब पारित किया गया था,
1992 में कब पारित किया गया था, 1992 में पारित किया गया था और लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और किसमें उल्लेखित है, 243 डी में उल्लेखित है। और इसी यह लागू कब किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कब से मनाया जाता है, 2010 से। कब से शुरू किया गया मनाना, 2010 से। लागू कब किया गया, 1993 में। फिर एक चीज़ और देखते हैं,